देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चीन में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इसी बीच चीन में लोगों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है। वहीं कोरोना के चीन में बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। मंजर ऐसा कि देख रूह कांप जाए, तस्वीर ऐसी कि दिल दहल जाए। चीन से आती हुई इन तस्वीरों ने एक बार फिर कोरोना के उन गहरे जख्मों को कुरेद दिया है जिन्हें हमने आपने इतिहास में दफन कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन कोरोना जहां से चला वहां फिर से तबाही का मंजर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी लोग विरोध कर रहे हैं। चीन में कोरोना को लेकर काफी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई जगह लोगों को बंद कर रखा गया है और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आइसोलेशन वाली जगहों पर पुलिस की तैनाती है। ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनपिंग के इस्तीफे के अलावा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वन पार्टी वन रूल को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत आने वाले कई सालों तक शी जिनपिंग ही चीन की सत्ता में काबिज रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान लोग शी जिनपिंग इस्तीफा दो, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा के लिए शासन नहीं चाहिए, हमें शासक नहीं चाहिए, जैसे नारे लगा रहे हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद भारत में कई जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं। बीते कल संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अहम जानकारी दी। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड 19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं। मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार अब हर हाल में कोरोना को अपने देश में तबाही मचाने नहीं देना चाहती। इसे लेकर केंद्र सरकार ने खुद और राज्यों से कई अपील की है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कई जरूरी अहम दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट और वेंटिलेटर पर ध्यान दें, वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज खुराक भी जरूर लेनी चाहिए, कोविड की जांच तेज कराने के निर्देश, कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी की सलाह से देश के सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया है। देश में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही न मचाए, इसको लेकर भारत सरकार की ओर से सभी जरूरी और अहम कदम भी उठाए जाने लगे हैं। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया। वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2% का आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हो जाएगा। वहीं आज सुबह नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारियां दी हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए, साथ ही साथ हर जरूरी कदम उठा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।